Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केस से। 4 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 3 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 93। कोविड डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कोविड 19 केसेस तो कम नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर्नाटक में 16 अगस्त के बाद लॉकडाउन रखेगी? जैसे तरह की खबर ऑनलाइन भी चल रही है, काफ़ी सारे मीडिया वर्क्स इस पर काम चल रहा है कि भाई 16 के बाद पार्शियल लॉकडाउन होगा कि नहीं, लेकिन डॉक्टर सुधाकर जो कि हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हम कोई लॉकडाउन नहीं करने वाले, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन कई सारे सोर्सेस की अगर बात माने तो 16 के बाद पार्शियल लॉकडाउन भी हो सकता है, ऐसी भी खबर आ रही है। याद रखिए, बने रही हमारे साथ जहाँ पर हम आपको सारे डिटेल्स देते रहेंगे कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप हम सब मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे और केसेस को कम रखेंगे, लॉकडाउन जैसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं सीनियर JDS लीडर नासिर हुसैन उस्ताद के बारे में। जी हाँ, नासिर हुसैन उस्ताद को स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया है इन माइनॉरिटी सेल। जी हाँ, JDS के माइनॉरिटी सेल के अंदर आप नासिर हुसैन उस्ताद को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपके लिए आ रहे हैं जहाँ पर JDS ने ये बड़ा कदम उठाया है। एच देवेगौड़ा एक्स प्राइम मिनिस्टर और एच डी कुमार स्वामी जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उनके नेतृत्व में काम हुआ है बेंगलुरु में। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल गर्मागर्मी की, जहां पर हम बात करेंगे हैदराबाद से AIMIM की टीम गुलबर्गा शहर पहुंची और दरगाह हजरत ख्वाजा मंदर नवाज के हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जियारत भी की। इस मौके पर नामपली के MLA जाफर हुसैन मेराज और सुहेल कॉरपोरेटर गफ्फार साहब, मुबीन साहब और सलीम साहब और इलियास सेठ MLA नॉर्थ कैंडिडेट AIMIM के मौजूद थे। उसके बाद काफ़ी सारे प्रोग्राम दिन भर हुए जहां पर MIM ने खुले तौर पर बताया कि कॉरपोरेशन के अंदर उनका स्टेप क्या है और लोगों का सपोर्ट उन्हें किस तरह से चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं गुलबर्गे शरीफ तशरीफ लाया हूं। अभी यहां पर दरगाह में बंदा नवाज के दरबार में ठहरा हूं। मेरा मेन आने का मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत के अंदर और हबीबे मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के क़ियादत के अंदर अब की मरतबा हम यहाँ से म्यूनसिपल इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जो कल ऐलान हुआ है 3 सितंबर को जो पोलिंग है। मैं आज यहाँ आने का मेन मकसद ये है कि जमात के यहाँ पे जो भी प्रोग्राम है, जमात के अंदर काफ़ी लोग जॉइनिंग रखे हैं, आज वो जॉइनिंग प्रोग्राम में मैं शरीक हुआ हूँ। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम पे और भी मजलिस के MLAs यहाँ पर गुलबर्गा तशरीफ लाएंगे और सदर मजलिस नखीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीबे मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी तशरीफ लेके आएंगे। आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद बात करते हैं दरगाह एरिया के बारे में, जहां पर डेंगू की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। चलते हुए हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी ने बड़ा स्टेप उठाया और कॉरपोरेशन के सैनिटरी इंस्पेक्टर से उन्होंने रब्ता करा। इस पर मौके पर हम बात करेंगे जिलान साहब के बारे में, जिन्होंने ये काम उठाया और ये नाली के काम को साफ सुथरे में लगाया और लोगों को होने वाले बीमारियों से बचाया। जिलान साहब और उनकी एंटायर टीम यहाँ पर मौजूद रही और आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ। तालाब के प्रॉब्लम रहने की वजह से कचरा हटा कर एरिया में पानी पास नहीं हो रहा था। नाली का पानी और बारिश का पानी, दोनों पानी मिलकर एरिया में तकलीफ हो रही थी और मकानों में चले जा रहा था। हमारे साथ जय मुतिया जी भी हैं, शशिकांत भी हैं, दत्तू भाई हैं, मोहित पठान, जावेद भाई, हम सब मिलकर SI मल्लिकार्जुन साहब को कॉल करके बोलते, मल्लिकार्जुन साहब भी लेबर को भेज के इस काम को दुरुस्त किए। मल्लिकार्जुन साहब का और लेबर का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर। आखिर में हम बात करेंगे चंदू पाटिल फाउंडेशन के बारे में, जो कंटिन्यू लगातार लोगों को रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इस बार अल कुरैशी पब्लिक स्कूल के पास मोइनपुरा वार्ड नंबर 24 में 300 के करीब रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट की गए। इस मौके पर मोहम्मद सबूर और आदिल कुरैशी और उनकी एंटायर टीम काफ़ी एक्टिवली काम करती आई है और हमेशा से लोगों के साथ रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पर आए और इस इवेंट में शामिल रहे और रेशन किट्स को रिसीव किया।